नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑटो न्यूज के फोर्थ एपिसोड में। मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल एंड आप सब देख रहे हैं पटवाल कार्स। तो हमारी पहली न्यूज आती है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा इंडिया ने रिसेंटली अपनी अपकमिंग एमपीवी टोयोटा रूमियन को जो है टीज कराया। अब जिनको नहीं पता, टोयोटा रूमियन जो है ये बेसिकली मारुति सुजुकी अर्टिगा का एक रीबैच वर्जन है, जिसको टोयोटा जो है अपने लोगों के साथ सेल करने वाली है। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और जानना है तो इस गाड़ी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारी अगली न्यूज निकल के आती है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा ने 15 अगस्त को अपनी अपकमिंग दो गाड़ी के जो है कॉन्सेप्ट को रिवील कराया है। सबसे पहली है थार ई कॉन्सेप्ट, जो थार 5 डोर के इलेक्ट्रिक वर्जन का जो है कॉन्सेप्ट है, एंड दूसरी है स्कॉर्पियो एन पिकअप। तो ये जो है स्कॉर्पियो एन के पिकअप वर्जन का कॉन्सेप्ट है। सो महिंद्रा ने जो है 15 अगस्त को ये दो गाड़ी के कॉन्सेप्ट जो है शोकेस करे थे। थर्ड न्यूज निकल के आती है टाटा मोटर्स की तरफ से। रिसेंटली टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का जो है एक टेस्ट वेरिएंट स्पाई करा गया है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है, गाड़ी का फ्रंट फेशियर जो है पूरी तरीके से रिवील हो चुका है। यानी कि इसके हेडलैम्प का डिजाइन, इसके डीएल का डिजाइन, यहाँ तक कि इसके ग्रिल एंड बम्पर, इनके डिजाइन भी जो है पूरी तरीके से रिवील हो चुके हैं। स्क्रीन के ऊपर जो है आप उनकी इमेजेस देख सकते हैं। इन इमेजेस को देख के जो है ये समझ आ रहा है कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट जो है ये टाटा कर्व एंड टाटा हैरियर ईवी के कॉन्सेप्ट से जो है काफी हद तक इंस्पायर्ड है। फोर्थ न्यूज निकल के आती है अगेन टोयोटा की तरफ से। टोयोटा ने हाल ही में जो है एक नई गाड़ी का नाम जो है ट्रेडमार्क कराया है, जो है टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर के नाम से। पॉसिबली ये जो है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का ही जो है एक रिबैच वर्जन आने वाली है। सॉर्ट ऑफ मिक्सचर होगी टोयोटा की ग्लेंजा एंड अर्बन क्रूजर हाई राइडर का। हमारी फिफ्थ न्यूज अगेन महिंद्रा की तरफ से निकल के आती है। महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ राजेश जयजुरीकर ने कहा है कि महिंद्रा की दो पॉपुलर एसयूवी जो है महिंद्रा बुलेरो एंड स्कॉर्पियो, इनके ईवी अवतार को जो है महिंद्रा इन फ्यूचर लॉन्च करेगी। हालांकि उन्होंने जो है कोई भी स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं बताई कि गाड़ी कब लॉन्च होगी, जस्ट जो है अभी अनाउंस करा कि गाड़ी लॉन्च करेंगे। सिक्स न्यूज फिर से महिंद्रा की तरफ से। आप सभी को पता है कि जो महिंद्रा की XUV300 है ये दो ट्रिम लेवल के साथ आती है, एक है नॉर्मल और दूसरा है टर्बो स्पोर्ट। तो जो इसका नॉर्मल ट्रिम लेवल है उसमें इन्होंने एक नया एंट्री लेवल बेस वेरिएंट लॉन्च करा है W2 के नाम से, जिसकी एक्सशोरूम प्राइस है 7.99 लाख रुपीज। एंड दूसरा जो इसका टर्बो स्पोर्ट ट्रिम लेवल है उसमें भी इन्होंने एक नया एंट्री लेवल बेस वेरिएंट लॉन्च करा है W4 के नाम से, जिसकी एक्सशोरूम प्राइस है 9.29 लाख रुपीज। तो ये दो वेरिएंट जो है आपको महिंद्रा XUV300 में मिलते हैं। एंड हमारी नंबर 7 एंड लास्ट न्यूज है टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार्स इन जुलाई 2023। नंबर 1 है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी 17,896 यूनिट सेल हुई है जुलाई में। नंबर 2 है मारुति सुजुकी बलेनो, जिसकी 16,725 यूनिट सेल हुई है जुलाई में। नंबर 3 है मारुति सुजुकी प्रेजा, जिसकी 16,543 यूनिट सेल हुई है जुलाई में। नंबर 4 है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसकी 15,352 यूनिट सेल हुई है जुलाई में। एंड नंबर 5 है हुंडई क्रेटा, जिसकी 14,062 यूनिट सेल हुई है जुलाई में। सो ये है टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार्स इन जुलाई 2023, जिसमें से टॉप 4 जो है वो मारुति सुजुकी की है और एक यहाँ पे हुंडई की है। सो ये है इस वीक के टॉप 7 ऑटोमोबाइल न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।